इस तरह की आस्तीन काटने के लिए हम पहले कपड़ा जमाएंगे डबल घड़ी में, उसकी लंबाई लेंगे नाप के 14 इंच, 13 इंच भी करेंगे, 1 इंच दोनों तरफ सिलाई में चला जाएगा। 7.5 इंच पे निशान लगा लेंगे नीचे से, ऊपर की तरफ 9.5 इंच पे लगा लेंगे बॉटम के लिए, और यहाँ से चाक से निशान लगा देंगे। इस तरह से पहले आस्तीन काट लेंगे। आस्तीन काटने के बाद हम लगाने के लिए निशान लगाएंगे कैंची से। इस तरह की डिज़ाइन डालने के लिए हम यहाँ पर 1 इंच पर निशान लगा लेंगे। ऐसा 1 इंच पर निशान लगा लेंगे और हम 1.5 इंच नाप कर यहाँ से ऐसे निशान लगा लेंगे। इस तरह से 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस तरह से काटते जाएंगे, और अगर आप इस तरह से नहीं कटे तो बीच बीच में एक एक निशान और लगा लेंगे। इस तरह से आप बीच में भी एक निशान लगा सकते हैं अगर आपसे नहीं कट रहा है तो। इस तरह से कटने